हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक एरर के बारे में। तो जैसे ही कल हम सॉल्वर का कर रहे थे, लाइव में मैं सॉल्वर एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस टाइम एक जावा की एरर आती है और वो एरर जावा इंस्टॉलेशन की वजह से आती है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं जावा को इंस्टॉल करने का, लेकिन जावा का एप्रोप्रिएट वर्जन नहीं मिलने की वजह से वो वर्क नहीं करता है। ये लिब्रा ऑफिस और ओपन ऑफिस दोनों में एरर्स आते हैं इसके वजह से। तो चलिए देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इस सॉल्वर ऑप्शन को कर पाएंगे और बेस में भी इसके रिलेटेड कुछ फंक्शंस है जो वर्क नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जावा के वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्वर में कोशिश करता हूं कि हो जाए। तो डेटा सिलेक्ट करेंगे, ये डेटा है, रेट क्वांटिटी दोनों में चेंज करना चाहता हूं। सॉल्वर जैसे क्लिक किया ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ओपन हो रहा है मतलब वर्जन अभी मेरे पास होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे इंस्टॉल शायद मैंने कर दिया हो, एक बार देख लेता हूं। कैलसी में एक बार गया मैं और वही सीट ओपन कर दूंगा। डेटा वन करके मैंने कुछ दिया था, हाँ, टूल्स और सॉल्वर, ये तो ये एरर दिखा रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राउजर में जाते ही हम ओपन करेंगे जावा। ये सारे सर्च कर सकते हैं आप, लेकिन सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल बताता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा, तो उसके जरिए आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सीधा आप जाओ और लिखो यहाँ पे java.com/en/download। ये जावा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जावा के सारे वर्जन मिल जाते हैं। लेकिन कभी भी गलती से आप इस पे क्लिक मत कीजिएगा, डाउनलोड जावा बटन पे क्लिक नहीं करना है, इससे रेलिवेंट वर्जन नहीं मिलेगा। हम जाएंगे नीचे वाले लिंक में और सी ऑल जावा 8 डाउनलोड्स फॉर डेस्कटॉप यूजर्स, इस लिंक पे क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रहे। अब यहाँ पे जो भी वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो चाहे 32 बिट हो, 64 बिट हो, वो देखना है। तो यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं, दिस पीसी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो वो मिलेगा कौन सा वर्जन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये देख लीजिए 64 बिट है, तो 64 बिट यहां से लेंगे। तो जावा के वर्जन में भी 64 बिट डाउनलोड करना है हमें, तो ये इधर जाएंगे और जैसे जाएंगे डाउनलोड शुरू हो गया, ये डाउनलोड शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक डाउनलोड होता है, डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा हम इंस्टॉल कर देंगे यहीं से। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करके सीधा इंस्टॉल करूंगा। तो डबल क्लिक करना ही, बस डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा सेटअप। इसको एक बार कंप्लीटली प्रोसेस करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर अभी चेंज नहीं करना। चलिए इंस्टॉल करेंगे और प्रोसेस शुरू होगा, थोड़ा टाइम लेगा। टाइम के बाद यहां पे आपको मिल जाएगा जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड, इसके बाद आपको सॉल्वर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, ये वर्जन हो रहा है डाउनलोड, इंस्टॉल भी हो चुका है और ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब फिर से जाएंगे हम, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद उसका इफेक्ट आता है, तो अब कैलसी में फिर से ओपन करेंगे। आप कुछ लोग कैल्क बोलते हैं इसे, तो कैल्क को ओपन करेंगे। अब यहां से टूल्स और सॉल्वर, ये देखिए, तो अब कोई एरर नहीं आएगा, सीधा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे जावा को वो आपने देख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्वर एक पूरा एग्जांपल करके बताऊंगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।